ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي أنزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل وقال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها تعالى وما رحمه للعالمين صدق الله العظيم एक मरतब मोहब्बत से तुरशी पढ़ लीजिए मेरे अज़ीज़ दोस्तों मोहतरम बुज़ुर्गों तकरीबन डेढ़ साल से हमारा जो मौजू होता है जुम्मे में वो आ, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और सीरत मुबारक का होता है इसमें बीच में कहीं कभी कोई अहम मौजू आ जाता है तो हम उस पर भी कुछ ना कुछ बात कर लेते हैं इसी तरह का एक बड़ा अलमनाक वाक़ पिछले हफ़्ते पेश आया जिस पर पूरी कौम हिल कर रह गई और मख्तल बयान भी आते रहे और ये ऐसा वाक़ था जिसमें न सिर्फ़ पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर तक इसके बड़े अजीब और ख़तरनाक असरात गए और इस पर जहाँ एक तरफ कुछ आर्जी हल किया गया कि चंद लोगों हजरात ने मजम्मत कर दी और उसको हमने ग़लत कह दिया ये मामला रफा दफ़ा हो गया तो यहाँ सोचने की बात यह है कि क्या सिर्फ मजम्मत कर देने से या इसको एक दफ़ा ग़लत कहने से ये मामला रफा दफ़ा हो गया और क्या ये मामला जो रसोल अलैहि वसल्लम की नामोस जैसे मुबारक और मुकद्दस नाम को इस्तेमाल करते हुए दीन इस्लाम के परखचे उड़ाए गए और दीन इस्लाम को पूरी दुनिया में बदनाम किया गया और अल्लाह के नबी का नाम लेकर अल्लाह के नबी के हुम को पामाल किया गया क्या ये कोई आइसोलेटेड वाकया था ये पहली दफ़ा हुआ पाकिस्तान में यह क्यों दो तीन वाक़े हुए हैं सिर्फ़ इसके पीछे क्या वजह है ये क्या होता है क्यों होता है कि एक आदमी भी नहीं करता दो भी नहीं करते पूरा मॉब होता है चालीस पचास सौ लोग और फिर हज़ारों लोग उनकी तइद करने वाले होते हैं अंदर या बाहर ज़ाहरी बातनी जो कहते हैं ये बिल्कुल ठीक था और जो भी इस किसी भी गलत काम का हल ये है कि आदमी को मार दो पकड़ के क्या ये वाकई दिन पे हल है तो इस लिहाज से आ, कुछ बात कुरान और हदीस की रोशनी में आज बात करने का इरादा है अल्लाह ताली मुझे सही बात कहने की और हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए मसला क्या है मसला ये है कि पाकिस्तान बनने से पहले मुसलमान हिंदू ईसाई सारी कौमें मिल के रहते थे शिया सुन्नी सब मिल के रहते थे बल्कि उससे भी पहले चले जाएँ इस्लाम में, में उन्दुलस में बगदाद में जो इस्लामी ख़िलाफ़तें तुर्की में गुजरी हैं तो मुसलमान ममालिक में ईसाई भी रहते थे यहूदी भी रहते थे ईसाई भी रहते थे हिंदू भी रहते थे आ, शिया सुन्नी भी रहते थे और को एग्ज़िस्ट करते थे बड़े अमन के साथ रहते थे ज़िंदगी की दौड़ में सब शरीक होते थे आ, इदारों में यूनिवर्सिटीज़ में सब मिल के पढ़ा करते थे ये मैं बात कर रहा हूँ अब्बासी दौर इमामीफा का दौर इमाम बुखारी का दौर इमाम इब्न तेमिया रहा का दौर जो दौर हमारे लिए आइडियल है कि वह क़ुरून और उसके बाद का जिस तरह आम इस्लाम को होना चाहिए वो ज़माना था जब आलम इस्लामूज में था ज़ाहिर आज का ज़माना आइडियल तो नहीं है आज ना सऊदिया आइडियल है ना पाकिस्तान आइडियल है ना मलेशिया आइडियल है बल्कि उम्मत के जितने भी ममालिक हैं वो पूरे इस्लाम पर ना चलना चाह रहे हैं ना चल सक रहे हैं क्योंकि हम मजबूरी के दौर में इसतरार के दौर में जी रहे तो आइडियल इस्लामी दौर में क्या होता था कि ये सारे आपस में मफाहमत के साथ रहते थे अगर इख्लाफ होता था तो उसिलाफ़ को इलमी लिहाज से बयान कर दिया जाता था कि भाई हमारा ईसाइयों से इख्लाफ है ईसाई कहते हैं हमारा आपसे इख्तिला है यहूदी में आलम इस्लाम में ही यहूदी और ईसाई जो थे उनको बड़ा अमन भी था और मैंने ख़ुद कुरतुबा में स्पेन में मुसलमान जब वहाँ रहते थे वहाँ एक मुजस्मा देखा जहाँ मुसलमान इस्कॉलर्स के सैंटिस के मुजस्मे होते थे वहाँ एक यहू का मुजस्मा भी था जिसने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया था एक साइंस की फ़ील्ड फिज़िक्स या केमिस्ट्री में काम किया था यानी सबको बाहम इज़्ज़त और एहतराम के साथ एक बड़ा अमन वाला माशरा दिया जाता था और ऐसे वाक़ात आलम में इस्लाम में साहबा के ज़माने में हुए कि जब मुसलमानों ने किसी जगह पर आ, उ, उ, उनको फ़तह हुई जब मुसलमान वहाँ से जाने लगे कि हज़रत उमर रज़ी के हुक्म में ये साहबा फ़लस्तानी को छोड़ कर मिसर चले गए और उन्होंने कहा कि हम आपकी हिफाजत नहीं कर सकते क्योंकि हमें वहाँ फ़ौज की ज़रूरत है तो वो ज़िम्मी ईसाई और यहूदी रोने लग गए उन्होंने कहा आप जैसा आदिल हुक्मरान हमें कहाँ मिलेगा जो हमारे हक़ को ख़्याल करने वाला हो ये तो आलम इस्लाम की हालत थी कि उसमें न सिर्फ गैर मुस्लिम बल्कि दूसरे फ़िरक़े के लोग भी नहायत अमन ख़ुशी से और वो चाहते थे हम आलम इस्लाम में रहें मुसलमान को क्योंकि उनके हकूक़ पूरे मिलते थे और मुसलमान आपस में बड़ी बाहम मोहब्बत और अमन से रहते थे ये आलम इस्लाम की हालत थी जब मुसलमानों का उरूज था आलम कुफर की हालत उस वक्त क्या थी आलम कफर में यानी जो उस वक्त यूरोप था या मगरब था वहाँ कोई मुसलमान नहीं रह सकता था अगर रहता था तो वो कैदी बन के रहता था या मज़लूम बन के रहता था उसको इबादत की आज़ादी नहीं थी उसको अपने शायर दीन की इजाज़त नहीं थी स्पेन में तो मुसलमान रहने की इजाज़त नहीं थी किसी यहूदी को यहूदी रहने की इजाज़त नहीं थी उसको मार दिया जाता या जलावतन कर दिया जाता या कैद कर दिया जाता उसकी सारी जायदाद को रख के यही हालत जर्मनी में यही हालत इंग्लैंड में रही यही हालत जो ये जो नॉर्वेगन जो आज दुनिया में सबसे ज़्यादा तरक्याफ़्त ममालिक समझे आते हैं स्कैंडिनेवियन नॉर्वे स्वीडन वहाँ पर थी वो बारबेरियंस थे वहाँ किसी और को बर्दाश्त नहीं करते थे वो कहते थे हम हैं और हमारे कल्चर या हमारे मजहब से हटकर जो आएगा उसको कतल करेंगे या जलील करके रखेंगे तो कोई भी वहाँ दूसरी कौम का आदमी अमन से नहीं रहता था इवन आ, जो ईसाई मुल्कों में ईसाई जो ग़रीब थे वो अमन से नहीं रहते थे उनको अमीर मारते थे कतल करते थे और यही वजह थी कि मुसलमानों को जो स्पेन में बुलाया था वो स्पेन के ईसाइयों ने बुलाया था कि हमारे हुक्मरान हम पे करते हैं हमारा कोई हक़ नहीं है हमारी बात नहीं सुनी जाती छोटी सी बात पे हमें कत्ल कर दिया जाता है देर इज़ नो रूल ऑफ़ लॉ देर इज़ नो ऑर्डर इंसानियत कीमत नहीं है आप आओ हमें छुड़ाओ तो मुसलमान इस आवाज़ पर ईसाइयों को बचाने के लिए फर्डलैंड से लड़ने गए थे स्पेन में ये हिस्ट्री है मुसलमान और काफरों की आज जब 200 साल से कोलोनाइजेशन हुई और इस्तेमाल हुआ और मुसलमान जवाल पजीर हुए हमारी खिलाफत ख़त्म हो गई और मुसलमान जो है अब उस हालत में आ गए जो किसी वक्त काफ़रों की हुआ करती थी उरूज से जवाल पर आ गए और इस पर दो सौ साल डेढ़ सौ साल से किताबें लिखी जा रही हैं कराम तारीखदान बात कर रहे हैं कि मुसलमानों का उर्ज जवाल में क्यों बदला क्या सारा कसूर काफ़रों का था हम बिल्कुल सादा थे हम बड़े अच्छे लोग हैं हमसे कोई ग़लती नहीं होती कभी कोई ग़लती नहीं हुई हमसे तो फिर अल्लाह ालिम है कि अल्लाह ने हमारे जैसे अच्छे लोगों को हमारे जैसे प्यारे लोगों को हमारे जैसे नेक अपने नाम लेवाओं को दुनिया में जलील कर दियाबाल ने इसको शिकवा में इसी तरह ज़िक्र फ़रमाया है कि आज का मुसलमान ये कहता है कि रहमतें हैं तेरी अगर के काशानों पर बर्क गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर हम ये कहते हैं हम बेचारों को तो कोई कसूर ही नहीं है सारी बिजलियाँ हम पर गिरती है। सारी हैं सारी रहमतें आपने गोरों को काफ़रों को दी हैं अल्लाह तो गोया अल्लाह से शिकवाया कि अल्लाह ालिम नाउज़बिल्ला ये बात कहना कि हमारी कोई गलती नहीं थी आलम इस्लाम की इज्तमाही तो पर और अभी भी कोई गलती नहीं है हम सारे बिल्कुल शहर से धुले हुए हैं और, और दीनी हज़रा की हमारी कोई गलती नहीं है ये अल्लाह पर एतराज़ है कि अल्लाह ने हमें ख़ाम दुनिया में जलील किया हुआ है हम तो बड़े कमाल के लोग हैं हमें यूरोप की जगह होना चाहिए उनको हमारी जगह से नहीं होना चाहिए और अल्लाह ने काफरों को इज़्ज़त दे दी हालांकि वो तो बड़े ख़राब लोग हैं कमीने लोग हैं कुफर से बड़ी दुनिया में मासीत क्या होगी और बदकारी से बड़ी दुनिया में उसके बावजूद अल्लाह ने उनको इज़्ज़त दी हुई है याद रखें मुसलमान को अल्लाह ताला ने भेजा है सारी इंसानियत के लिए रहमत बनाकर क्योंकि हमारे नबी सारी इंसानियत के लिए रहमत है हमारे नबी का जो लक़ब है वो मुस्लिमीन है क्या ख़्याल है रमतुल्ल आलमीन है अल्लाह ने रहमत मुस्लिमीन क्यों नहीं कहा नबी को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को हदल मुस्लिमीन नहीं कहा हदल लनास कहा सारी इंसानियत के लिए हिदायत और रहमत है क़ुरान और नबी जो है वो मुसलमानों के लिए नहीं है रहमत वो तो सारे आलम जल के जानवर इंसान काफ़िर सबके लिए रहमत है तो क्या किसी मुसलमान के लिए जायज़ है कि वो अपने किरदार से रहमतुल्मसलम बन जाए सिर्फ़ रहमत ललकाफ़िरन ना हो बल्कि रहमत ललमसलिमिन में भी फिर बीस तीस किस्म के मुसलमान हैं तो उसमें भी द्यवंदी रहमत लल हो और बरेलवी देवबंदियों के लिए रहमत और लादी हो और वो भी अपने ग्रुप के लिए और बाकी सब के लिए तलवार उठा के मारना क्या ये इस्लाम है ये किसने सिखा दिया हमें पचास साल में ये ये नरेटिव तीस तीस एक साल में बिल्ट हुआ है पहले नहीं था आलम इस्लाम का ना कुरान हदीस में है ये किसने सिखाया और क्यों सिखाया हमें यानी अब ये मामला हो गया कि अगर आलम इस्लाम में क्या कोई ईसाई या कोई यहूदी वो समझता है कि मैं पाकिस्तान में रहूँ मेरी प्रोटेक्शन होगी मैं मैं इज़्ज़त से रहूँगा मैं हिफाजत से रहूँगा मेरी इज़्ज़त होगी मेरा वक़ार होगा मुझे मेरा हक मिलेगा मेरी स्किल के मुताबिक और क्या आज कोई मुसलमान अगर काफिर मुल्क में रहता है वो समझता है कि मेरी स्किल के मुताबिक मेरी कदरदानी होगी समझता है इसलिए जाता है और काफ़िर नहीं समझता तो मसल हम रहा आलमीन नहीं रहे हम अपने ख़ास फ़िरके अपनी जमात अपने कबीले अपने ख़ानदान के लिए रहमत हैं सारे मुसलमानों के लिए भी रहमत नहीं रहे कि अल्लाह के नबी फरमायात वसो नासी क़ा वतन मैं सारी दुनिया के लिए रहमत बन के आया हूँ और अल्लाह के नबी और साहबा ने ये करके दिखाया कि सारी दुनिया ने माना कि जनाब आप हमारे लिए भी रहमत हैं ईसाई मुसलमान नहीं बनता फिर भी अल्लाह के नबी रहमत है यहूदी मुसलमान नहीं बनता फिर भी अल्लाह के नबी रहमत है मोहम्मद कासिम रहमल ताली जब आए थे हिंदुस्तान में किस चीज़ ने हिंदुओं को मजबूर किया था जो हमारे आबाज़ थे कि वो मोहम्मद कासिम के हाथ पर कर बैत करें कि मोहम्मद बिन कासिम हिंदुओं के लिए ऐसे ही रहमत थे जैसे मुसलमानों के लिए थे उनको इंसान के रूप में फ़रिश्ता नज़र आया था कि वो इतनी मोहब्बत इतना प्यार इतनी वेलफेयर इतनी खैर ख्वाही इतने तरीक़े से हुमरानी जो उन्होंने अपने हुक्मरानों राजाओं को देखा हुआ था कि मार धाड़ और जुल्म और अपना अपने पास सारा माल जमा करना उन्होंने कहा ये तो इंसान है ख़ुद थोड़ा सा खाता है हमें खिलाता है अपने से ज़्यादा बादशाह अपनी राया का ख़्याल करता है तो जोक दर जोक लोग इस्लाम में आए थे हिंदुस्तान में इस वजह से मोहम्मद कासिम के अखलाक को देख के मलेशिया और इंडोनेशिया में लोग आए थे किस लिए आए थे मुसलमान हुए थे वहाँ ना तीर चला ना तलवार चली तो मुशतरकिन या इस्लाम पर इतराज करने वाले जो इतराज़ करते हैं कि इस्लाम तलवार से पहला मलेशिया इंडोनेशिया जो इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामिक मुल्क है इंडोनीशिया वहाँ तो एक तलवार भी नहीं चली कैसे मुसलमान हुए वहाँ के ताजरों की राहमत और अखलाक और शफकत और किरदार को देख कर ये है इस्लाम मैं बरतानिया में भी दो महीने से था अभी कुछ वक्त वहीं गुज़र रहा है मेरा आज वहाँ पर मुसलमान होने का रेट बहुत कम हो चुका है दोबारा अगेन और जो मुसलमान हो रहे हैं स्टैट्स ये बता रहे हैं कि वो किताब पढ़कर हो रहे हैं मुसलमान को देख के कोई मुसलमान नहीं होता क्योंकि मुसलमान का किरदार वो नहीं है जो मुसलमान हो जाए ये आपकी मेरी बात नहीं कि मैं आपको कहूँ आप मुझे हम सब हैं हम तो क्या वजह है कि हम कहते हैं आलम इस्लाम का सबसे बड़ा गहर हम हैं सबसे बड़ा दीन हमारे पास है सबसे हमारे पास हैं सबसे ज़्यादा दीनदारी हमारे पास है ये कैसी दीनदारी है जो इस किस्म के काम करा रही है क्या ये नबी का किरदार था क्या नबी का तरीका था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा ये था अब दूसरी बात पे आ जाते हैं रूल ऑफ़ लॉ अल्लाह के नबी ने जिस चीज़ को मेंटेन किया था रूल ऑफ लॉ कि जो भी काम होगा हुकुमरान के हुक्म के मुताबिक होगा हुकुमरान के हुक्म के ख़िलाफ़ कोई काम करना जायज़ नहीं किसी के लिए सौ हदीसें इस बात पर कि अल्लाह के नबी ने वसम ने फ़रमाया अपने हुकुमरानों की बातों इसमा अत कुरान कह रहे अति रसूल व उमर उनकोरान की बात मानो आप फरमा इस्मा अतिऊ हुरान की बात मानो चाहे कोई हबशी ग़ुला तुम्हारे ऊपर मुसलत कर दिया जाए जिसका सर किशमिश की तरह पिचका हुआ हो। यानि नसब भी सबसे कमतर ग़ुलाम और रंग भी सबसे कम तर काला और नंबर तीन आ, अकल भी कमतर अकल पिछका हुआ हो खानदान भी उस अगर तुम्हारे ऊपर अमीर या हुक्मरान बना दिया जाए उसकी मानो अगर नहीं मानोगे ज़मीन में फसाद होगा एक सहाबी ने कहा यार रसूल अगर वो हुमरान हमारा माल ले, हमारी कमर पर कोड़े बरसाए आपने फरमाया तुम्हारा माल ले, तुम्हारी कमर पर कोड़े बरसाए मुसलमान हुक्मरान है उसकी बात मानो इसकी क्या वजह है बाहर समझ नहीं आता की वजह यह है कि अगर किसी कौम का जो इसार होता है कोई कौम बढ़ती है वो रूल ऑफ लॉ से बढ़ती है कि आप एक लॉ है जैसा भी बन गया है और सारे लोग उसकी बात मान रहे हैं तो इस तरह कौम अपना काम करती रहती है पंचर वाला पंचर लगाता है इंजीनियर अपना काम करता है डॉक्टर अपना काम करता है बिजनेस अपना काम करता है अगर सारे लोग वो बन जाएं जज और सारे लोग वो बन जाएं वज़ी अजम और गवर्नर तो रियाया कौन बनेगा बात कौन बनेगा तो अपना काम कोई करेगा नहीं पंचर वाला पंचर नहीं लगाएगा लेकिन उसको पता होगा वज़ी अजम को क्या करना है और चाय वाला चाय नहीं बनाएगा उसको पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कैसे खेलना चाहिए लेकिन वो चाय नहीं बनानी आती उसको तो ये माशरा इतना टूट जाता है कि हर आदमी अपने अपनी अक़ल को कामिल समझता है तो ये हम सौ लोग बैठे हैं तो सौ हुक्मरान बैठे हैं सौ जज बैठे हैं हम सब का व्यू पॉइंट अलग है और हम चाहते हैं पाकिस्तान ऐसे चलना चाहिए तो पाकिस्तान किसी तरफ भी नहीं चलेगा क्योंकि हम सब हुक्मरान बनना चाहते हैं हम सब काजी बनना चाहते हैं हम सब अपनी राय को दूसरों पर मुसलत करना चाहते हैं ज़बरदस्ती बाय हुक और बाय क्रुक ये दुनिया में किसी मुल्क की नाकामी का इंतहा होती है कि बर्बाद हो गया मुल्क अल्लाह चला रहे बस क्योंकि आप किसी को बड़ा तो मानते ही नहीं किसी की बात मानना ही नहीं चाहते कानून को आप मक्खी की तरह उड़ाते हैं पहले आप कहा जहाँ मजबूरी हो चलो वहाँ कर लो अब मजबूरी नहीं है हमारा तरीका ये बन गया पाकिस्तान में कोई काम करना है पहले धोखे चोरी से करेंगे चाहे ज़रूरत नहीं है शॉर्टकट निकालेंगे तो ये अल्लाह के नबी सली वसम ने रियासत मदीना जो रखी थी उसमें पहली चीज़ जो थी वो रूल आफ़ लॉ थी कि हुक्मरान की बात मानी जाएगी चाहे हुक्मरान जितना ख़राब है जैसी भी चीज़ें बात मानी जाएगी आप सरसल ने सहाबा को भेजा पहली आप हिदायत ये देते थे अमीर की बात मानना अमीर की बात मानना अमीर की बात मानना मुसलमानों को अल्लाह के नबी के साथ गजबात में एक गज़बे में शिकस्त हुई है आर्जी कौन सा गज़व है वद में क्यों शिकस्त हुई है अमीर की बात नहीं मानी ना अल्लाह के नबी की बात मानी और पचास तिर अंदाजों पर जिसको अमीर बनाया था उसकी बात नहीं मानी हर एक ख़ुद हुक्मरान और काजी बन गया बाकी चालीस ने कहा सहाबी हैं नेक हैं उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, नहीं अल्लाह के हुक्म का मतलब ये था हमारे ख्याल में हम जाते हैं तो अमीर कह रहे नहीं जाओ कहा नहीं जाते अल्लाह का नबी मौजूद है फतह शिकस्त में बदल गई फतह हो गई थी अब तो अल्लाह का नबी भी नहीं है अगर हम में हर आदमी ख़ुद अमीर बनता है और हम सब हुक्मरान बनते हैं और ख़ुद जज बनते हैं तो क्या वजह है कि कौम नाकाम क्यों ना हो नाकाम होगी और नाकामी चलती चली जा रही है इस इशू पर आ जाएँ जिस जो इशू चल रहा है कि क्या किसी गुस्ताख़ को मारना कत्ल करना पहले तो मैं ये बात कहूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ये जो वाक़ा हुआ है इस तरह के वाकत तो हुए हैं किसी मजहबी जो बड़े मोतद लोग हैं किसी भी फिरके के कि किसी ने निका के ये सही हुआ है हर एक निका गलत हुआ है लेकिन ये ग़लत जो हुआ है ये तो तकरीबन छत्तीसवीं सैंतीसवीं दफ़ा हुआ है पाकिस्तान में पचासी लोग हैं अब तक दस साल में जिनको एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग में गुस्ताखी रजूल के इल्ज़ाम में मारा गया है पचासी लोग और मॉब ने मारा है और उन पर गुस्ताखी प्रूफ नहीं हुई थी और बाद में भी प्रूफ नहीं हुई पता लगा कि वो क्योंकि प्रूफ तो अदालत में होती है अगर मैं कहूँ यानी अल्लाह ता, अल्ला ताला अल्लाह फरमाया कि असारिकु व सारिकतु रत फुमा कुरान में कहा चोर का हाथ काटो ये हु, ये, हु, ये हुक्म आपको है मुझे इमाम मस्जिद के तौर पर है मेरे डी सी साहब को है मौलवी साहब को है मुफ्ती साहब को है किसी फैक्ट्री के मैनेजर को है कि वो अपनी फैक्ट्री में किसी चोर को पकड़े तो हाथ काट दे ये हुक्म हुक्मरान को है और अदालत को है अगर कोई इंसान अपने तौर पर किसी चोर का हाथ काट दे वो चोर प्रूफ भी हो जाए इसको भी मारा जाएगा क्योंकि आपने हुकूमत का काम अपने हाथ में ले लिया ये किसी इंसान को शरीयत में इख्तियार नहीं है तो ये रूल ऑफ लॉ हमें अंग्रेज़ी कानून ने नहीं सिखाया अल्लाह ने सिखाया अल्लाह ने कुरान में व अफजानी है तो वानी फजल कोल्लामाम जल्दा जानी की सज़ा अगर शादीशुदा ना नहीं है तो कोड़े शाजिद है तो रजम तो मैं किसी को पकड़ूँ उठा के मार दूँ हम सारे मिल के मस्जिद वाले क्या ये जायज़ होगा हराम है इसी तरह जनाब रिसालत में आप अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी से घनावना जुर्म कोई नहीं है लेकिन जब अल्लाह के नबी हैं या फां ने लिखा है कि गुस्ताख़ की सज़ा कत्ल है तो वो हुक्मरान को कहा गया है पाकिस्तान के कानून में भी टू नाइन्टी फाइव सी लिखा हुआ है तो वो हुक्मरान के लिए आम नहीं है क्योंकि पहले जब तक वो साबित नहीं हो जाएगा किसी को मारना हराम है लिहाजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ख़ालिद बिन वलीद ने एक मरतब एक आदमी को कत्ल कर दिया तहक़ीक़ किए बग़ैर खालिद बिन वलीद अल्लाह की तलवार अल्लाह के नबी ने कहा खालिद ने जो किया है मैं बरी हूँ इससे क्योंकि तहकीक के बगैर आदमी को मार दिया फिर ये जो गुस्ताख को हम कहते हैं कत्ल कर दो ये बात तो ठीक है अल्लाह के नबी की गुस्ताखी बड़ा जुर्म है लेकिन सवाल ये है ये जो मैंने कहा ना अस्सी पचासी लोग मार दिए गए मॉब ने इनमें पचहत्तर फीसद मुसलमान थे कोई शिया कोई बरेलवी कोई अलदीस कोई देवबंदी बात यह मुसलमान ये काम क्यों करेगा क्यों करेगा इतने सारे लोग क्यों करेंगे तो ये होता क्या है कि एक फ़िरका दूसरे फ़िरकों को कहते तुम गुस्ताख हो कहते तुम गुस्ताख हो तो उसके नज़दीक गुस्ताखों को मारते थे पोड़ के तो तीन शरात हैं हुक्मरान के लिए भी हद लगाने की पहली शर्त हद की कोई भी हद हो चाहे हाथ काटना जो अल्लाह के नबी का असूल ये इजरा मस्तता एमस्तम तिरमिज़ी की हदीस है आप ने फ़रमाया कि हदूद को हटाओ लगाओ नहीं और अगर किसी आदमी का छोटा सा उजर भी हो तो रास्ता छोड़ दो खुल्लू सभी लहू हु। अगर हुक्मरान माफ़ करने में ग़लती करे ये इससे ज़्यादा अच्छा है कि वो सज़ा देने में गलती करे अल्फाज देखें यह अल्लाह के नबी के अल्फाज हैं मुसलमान हुमरान माफ़ करने में ग़लती करे तो ये कोई बहुत बुरी बात नहीं है सजा देने में गलती करे ये वाला ख़तरनाक बात है तो तीन शराइत फ़ुकान ने लिखी है खासतौर पर फ़ुका अनाफ ने कि भाई जो गुस्ताखी करे गुस्ताखी का तो पहले तारीफ़ तो करो गुस्ताखी क्या होती है किसी ने कुरान जला दिया उनको गुस्ताखी हो गई भाई कुरान जलाना तो बोसीदा और आग को जलाना ही हुक्म है और ये कितने वाक़ हुए कि कोई बोसीदा और आग को जला रहे लोग मार दिया अभी भी हुआ एक वो बेचारा अभी दो हफ्ते पहले हुआ पशावर में चार सदा में कि वो एक आदमी कुरान जला रहा था वो पता लगा बेचारा मजनून था पता नहीं क्या था उसको महल्ले ने मोब ने उसको आ, पकड़ के पुलिस को दिया पुलिस ने कहा भाई करते हैं पुलिस को बोला अभी सजा दो तो पुलिस ने कहा थाने को जला दिया वो थाने में पचास कुरान जल गए वो मसला नहीं था इतनी शिद्दत पसंदी इतना दिमाग ख़राब कहाँ से हुआ है लाखों करोड़ों लोगों का जब नारा लगता है मनसबन नबीफुलहू यह हदीस ज़ीफ़ और मौजू है कि जो नबी की गुस्ताखी करे मार दो ये जहरी सी मौजू म मौजू हदीस पे तहरीकें करोड़ों लोगों को जमा करती है और लोग कहते हैं हम मारेंगे तो आप क्या तो रखते हैं अभी बहुत सारे दीनी हजरात कह रहे हैं कि हमने तो नहीं कहा था भाई आपने तेल डाला था मैं तेल डाल दूँ यहाँ पर कोई तीली लगा दे और मैं बोलूँ मैंने तो नहीं किया था तेल तो हमने डाला था बीस तीस साल में ये कहाँ से आ रहा है वो अल्लाह जो मैंने शुरू में बात एक तो आप हजार अगर वक्त पर आएँ तो बात ज़रा अच्छी मेरी बार बार दरख्वास्त होती मैंने तमहिद ये बांधी थी कि आलम इस्लाम का मिसाली ज़माना वो था जब मुसलमान हिंदू सब मिल के रहते थे कोई ऐसा वाक़ा कभी नहीं होता था जब मुसलमान हुक्मरानी में थे आज तो हुक्मरानी में भी नहीं है फिर इस तरह के मॉब किलिंग के जो असरा बाहर पड़ेंगे अगर शेफ सीना ऐसा काम करे आपको कैसे लगेगा बी ऐसा काम करे कैसा लगता है आपको इसराइल में इसरा यहूदी ऐसा काम करते हैं कैसा लगता है ये कहते हैं ना कोई अदालत नहीं कोई ह्यूमन राइट्स नहीं आपने मार दिया हम भी तो ऐसे कर रहे हैं और ऐसे कर नहीं रहे लाखों करोड़ों लोगों का ये नज़रिया है ऐसा करना जायज़ है अब मैं अर्ज करता हूँ ऐसा करना जायज़ नहीं हराम है उम्मत के बिल बिलातफाक़ फ़ुक देवबंदी बरेलवी हनफी शाफी मालकी सलफ़ी सब के नज़दीक क्योंकि हुक्मरान का काम है हुक्मरान को भी ये फरमाया कि अगर कोई अल्लाह के नबी वसम की गुस्ताखी करे तो गुस्ताखी का मतलब गाली है तनकीद नहीं है अगर कोई अल्लाह के नबी के पर तनकीद करे ये भी गुस्ताखी नहीं है गाली है मजाक उड़ाना है नंबर दो ऐलानियाँ करे अब ये क्या होता है कितने वाकयात हुए कि मेरा आपसे झगड़ा हुआ आपने कोई बात कह दी दो औरतों का झगड़ा हुआ मैंने कहा गुस्ताखी ये बार फैला दिया लोगों ने पड़े मार दिया भाई ऐसे नहीं साबित होता एलानिया गुस्ताखी हो कुल्लम कुल्ला ज़िद्द व इनाद के साथ हो गलती से ना हो अल्लाह ना करे किसी आदमी के हाथ से कुरान जल जाए गिर जाए अब आपने कहीं पढ़ लिया किसी ने बता दिया कुरान गिराना गुस्ताखी है पगे मार देंगे इसको भाई ये गलती से हुआ है जानबूझ के हो और इमाम अब हनिफा रहा तआला आ, हनफी फखा इमाम सरखसी ने लिखा कि तकरार के साथ हो एक मरतबा पर भी नहीं मारा जाएगा नंबर चार तोबा ना करे वो फिर उसको हुक्मरान मारेगा और अदालत में साबित हो जाए दो गवाहों से दो गवाह भी ऐसे जो फासिक ना हो पक्के दीनदार हों नमाज़ ना छोड़ते हों झूठ ना बोलते हों पाकिस्तान में ऐसे गवाह कहाँ मिलते हैं हम ये समझते हैं अब एक बात ये कही जा रही अदालतें सजा नहीं देंगी हम खुद देंगे भाई अदालत में केस आए हैं तकरीबन 700 केस अदालत को शरीयत का हुक्म यह है कि हद की सज़ा ना लगाओ आप हतल वसा माफ़ करो क्योंकि हद की सज़ा सिर्फ़ दिखाने के लिए है कि लोगों पर रहे जुर्म बहुत बड़ा है जैसे ज़िना की सज़ा है रजम की या आलम इस्लाम में आज तक कभी गवाही से नहीं लगी क्योंकि उसकी गवाही का क्राइटेरिया शरीयत ने इतना सख्त रखा है कि सज़ा न लगे मकसद बस लोगों पर एक खौफ रहे कि कितना गंदा काम है बस ये मकसद है अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम ने जिन लोगों को मुसलमान किया था माफ़ करके किया था जो शख्स अल्लाह के नबी का कज़न जो अल्लाह के नबी की हजब में शेर कहता था प्रूवन गुस्ताख था, शेर कहता था अल्लाह के नबी के ख़िलाफ़ अल्लाह के नबी के सामने लाया गया जब आप फतेह मक्का के लिए आ रहे थे कहाब थे और अबू सुफियान यबूसुफियान दूसरे हैं आपके कज़न तो अल्लाह कहा गया कि रसुल्ला वो आपसे मिलना चाहते हैं और वो मुसलमान होना चाहते हैं एक मरतबा आपके दिल पर बड़ा रंज हुआ आपने कहा मैं नहीं करता तो हम हज़रतम सलीम अल्लाह के नबी के साथ थी उनका नहीं अरसोल्ला आप अपनी आदत के मुताबिक माफ़ करें तो अल्लाह के नबी ने माफ़ फरमाया मुसलमान हो गए हज़ारों लोग तो ऐसे मुसलमान किए मनत मलती लिद, लिद, ही कत्तू अल्लाह के नबी ने अपनी ज़ात के लिए कभी इंतकाम लिया नहीं तो अब इसकी वजूहत क्या हैं ये जो लोग कत्ल करने वाले मॉब में आप इनकी शक्लें देखें ये नमाज़ पढ़ने वाले भी नहीं लगते आपको तो जो आदमी नमाज नहीं पढ़ता फ़जर में एक सफ भी नहीं होती व्हाट्सएप पे सुबह से दिन बिखरना शुरू हो जाता है सारा जैसे पता नहीं सारे हसन बसरी हम ही लगे हुए हैं फजर में कोई नहीं होता नमाज़ में कोई नहीं होता ये कौन सा दीन है जो ये सिखा रहा है असल में ये मैंटालिटी है जो एक ख़ास फ़िरक़े ने ख़ास तौर पर बनाई है शॉर्टकट्स कट्स कि भाई साल में एक दफ़ा पीर साहब को बकरा दे दो साल में एक दफ़ा और उस पर चले जाओ शब बारात पर बैठ जाओ आप माफ़ हो जाओगे दीन में कोई शॉर्टकट नहीं है आपको पूरे के पूरे दीन पे चलना पड़ेगा तो वो समझता है कि मैं किसी को मारूंगा तो फिर मार कर मैं जन्नत में चला जाऊंगा। दूसरा मसला जहालत का इस वक्त कौम में जो बड़ा मसला है दीन और दुनिया दोनों से जहालत का है ना दीन आता है ना दुनिया दुनिया में भी हम इलम में सबसे नीचे हैं और दीन का इलम किसी के पास नहीं है जज्बा बहुत टपकते हैं हर एक उछलने को तैयार है लेकिन इलम नमाज के फ़रज़ सजद साहफ़ कब वाजिब होता है भाई बीवी के क्या हुकूक हैं शोहर के क्या हुकूक हैं क्या हमारे शोहर आज आइडियल शौहर हैं क्या हमारी बीवियाँ आज आइडियल बीवियाँ हैं क्या हमारे वालिद वालिद आज आइडियल बाप हैं क्या बच्चे नहीं है दीन दीन उस चीज़ को बनाया जिसको अल्लाह के नबी ने दीन बनाया नहीं अपने जहन से कुछ बनाने के लिए चौथी बात जो सबब है वो तब है लसानी तब कौमी तब महाजिर पठान सिधी का कले गोरे का और पीपल्स पार्टी नून लीग पी टी आई का तस्ब दीनी जमातों का तस्ब फ़िरका वारद का तस्ब ये किसी कौम को भसम करने के लिए काफ़ी है दुनिया में नज़र आता है आपको नहीं नज़र आता मलेशिया में नहीं नज़र आता इंडोनेशिया में नजर नहीं आता तुर्की में नज़र नहीं, नहीं आता सऊदिया में नजर नहीं, नहीं आता ये जिस कौम में होगा और तस्ब के साथ फिर पावर ताकत ऐसी होगी कि स्टेट कमज़ोर हो जाएगी स्टेट का रूल ख़त्म हो गया मेन चीज़ होती है रूल ऑफ लॉ हुक्मरान अपनी ताकत को मनवाए अगर हुक्मरान पीछे हो जाए एक्सट्रीमिस्ट धड़ों के आगे वो क्या मान लेते हैं गे खत्म आपकी गेम ख़त्म हो गई ये हुकूमत नहीं है ये भीड़ और जंगल का कानून है जिसमें जिसकी मर्जी जो काम करता है चौथी बात अदल का ना होना जब बरतानिया फॉल हुआ था यानी ग्रेट ब्रिटेन एम्पायर तो चर्चल को कहा था कि अब बरतानिया ख़त्म हो जाएगा उसने कहा हमारी अदालतें इंसाफ कर रही हैं का कर रही हैं का जब तक अदालतें इंसाफ करेंगी ब्रिटेन ग्रेट रहेगा और रहा आज सबसे बड़े जालिम जो माशरा है और सबसे बड़ा क्रब इदारा वो हमारी अदलिया है और ये बात अगरचे उजर नहीं है लेकिन ठीक बात है जब अदलिया इंसाफ नहीं देगी तो लोग आप देखते हैं ना कि कोई चोर को पकड़ के लोगों ने मार दिया गलत है लेकिन क्यों किया वो फ्रस्ट्रेशन इतनी फट जाएगी कि लोग फटने को तैयार हो जाएंगे तो मैं चूंकि अमलन गुजरा हुआ हूँ मैं लॉयर भी हूँ और मैं कोर्ट्स में गया हूँ देखा हूँ जो गंद आप सुनते हैं उससे ज़्यादा गंद है जितनी करप्शन आप सुनते हैं उससे ज़्यादा करप्शन है जितनी सुस्ती और इनकॉम्पिडेंस आप सुनते हैं उससे ज़्यादा इनकॉम्पिडेंस है हमारी अदलिया इस तरह बर्बाद है और बस कॉम्पिटेंट ऑफ कोर्ट उनको याद है कि अदालत की गुस्ताखी ना हो जाए रसूल्ला की गुस्ताखी हो कौम बर्बाद हो जाए आप नाहली कर रहे हैं करोड़ों खा गए उसकी कोई नहीं तीसरी बात मुल्क की चंद ताकतें जो मुल्क के अंदर शिद्दत पसंदियाँ या जमातें बनाते हैं अपने मकासद के लिए अपने मकासद के लिए फ़्रेंक खड़ा करते हैं उसको दबाते हैं मुल्क उड़ जाता है लोग मर जाते हैं सरहद में क्या हुआ फाटा में क्या हुआ बुलुस्तान में क्या हुआ अभी मजहबी शिदत पसंदी के नतीजे में जब जलसे हो रहे होते थे और नारे लगा रहे थे कि जो भी गुस्ताख मिले मार दो और लाखों लोग सामने बैठे होते थे हुकूमत का थी फिर उन्हीं लोगों को ऊपर लाया फिर नीचे लाया फिर उनको बड़ा बनाया तो ये हो रहा है तीस साल से हमारी जिम्मेदारी क्या है कि हम भाई असल दीन पे आ जाएं सबसे बड़ी गुस्ताखी रसूल वो होती है कि जब अज़ान हो रही होती है और आप कारोबार और क्रिकेट खेल रहे होते हैं गुस्ताखी रसूल वो होती है कि जब अल्लाह के नबी का हुक्म आता है हम अपने दुनिया के हुक्म पे चल रहे होते हैं गुस्ताखी रसूल ये होती है अल्लाह के नबी के हुक... एक एक हुक्म को पूरी उम्मत पामाल कर रही होती है ये सबसे बड़ी गुस्ताखी है इससे बचने की कोशिश करनी चाहिए नंबर दो रहमत आलमीन बनने की कोशिश करनी चाहिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी दुनिया के लिए रहमत थे सारे इंसानों के लिए हम सारी इंसानों के लिए रहमत बन के आए हैं यह हमारा काम है अगर इस तरह हम अपना पैगाम और अपना काम सही करते रहेंगे तो हुक्मरान या अदलिया कोई और गलत काम करे अल्लाह हमसे नहीं पूछेगा लेकिन अगर हम ब्लेम गेम खेलते रहेंगे अपनी गलती नहीं मानेंगे हर आदमी दूसरे की उंगली उठाएगा और अपने तरफ जो चार उंगलियाँ गई हूँ इसको नहीं देखेगा तो कौम बर्बाद होती चली जाएगी दो हज़ार बीस में एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग सबसे ज़्यादा हुई है तो ग्राफ यूँ जा रहा है पाकिस्तान में करप्शन का एक्स्ट्रीमिज़म का रेडिकलाइजेशन का डिटोरेटेशन का हर चीज़ का ग्राफ ख़राब से ख़राब जाता चला जा रहा है और हम ये मानने को तैयार नहीं है मैं और आप में कोई कि मेरी कोई गलती है हम अल्लाह के नबी के असल दीन से दूर हुए हैं आइए अहद करें दीन को सीखें उलमा से पढ़ें तफसर पढ़ें हदीस पढ़ें फ़िका पढ़ें उस पर खुद और अपने बच्चों को अमल कराने की फिक्र करें ताकि ये जुनूनीत जिससे हमारा माशरा आ थैंक्स फॉर वॉचिंग डेट लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब